हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीका से कर रहे होंगे, मुझे मुझे आशा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी जो कि ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 है, जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। वास्तव में ये देखा जाए तो यह जियोग्राफी यानी सोशल साइंस का ये चैप्टर है, मगर हमारे सिलेबस में इसको वर्ग 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 10 क्लास में अध्याय नंबर 16 में रखा गया है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझने के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन समझने से पहले हम लोग इसमें थोड़ा चलेंगे बेसिक, यानी बेसिक क्या कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन के बारे में जानने से संसाधन जानेंगे, उसके बाद संसाधन के प्रकार जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, यानी संसाधन क्या है, संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है जिसमें प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं, जितने भी वस्तु हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे संसाधन कहते हैं। मान लीजिए ये डस्टर जो है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, संसाधन है। परिवहन है, जो कि हमारे वो आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वो भी संसाधन है। जितने भी वस्तु है पृथ्वी पर जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब कोई भी वस्तु का नाम लेके देख लीजिए, यहाँ पे जो बॉल जल रहा है ये भी संसाधन है, ये खल्ली जो है कि ये भी एक संसाधन है, जो कि ये शर्ट पहन है ये भी एक संसाधन है, ठीक है। और जिसमें आप देख रहे हैं ये यूट्यूब, वो भी एक संसाधन है, ठीक है। यार जितने भी वस्तु है जो कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप यहाँ इसको नोट कीजिए, तब तक कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है जिससे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मैं भूमि, जल, खनिज, परिवहन, कोयला, वायु इत्यादि, ये सब संसाधन के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कीजिए, तब तक ठीक है। तब हम लोग समझेंगे अब अगला कि संसाधनों का प्रकार, ठीक है। संसाधनों का प्रकार समझने से पहले हम लोग यहां तो थोड़ा सा नोट में एक बात को लिखेंगे। नोट में यही बात लिखेंगे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था आपने जिमरमैन ने कहा था, जो कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नोट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, यह कथन किसने कहा था। तो आपको याद रहना चाहिए कि यह कथन किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था, जो कि ये ज्योग्राफी में इसके बारे में हम लोग अधिक चर्चा करेंगे। तब तक आइए हम इसको नोट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यह कथन संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, यह कथन जिमरमैन ने कहा था, ठीक है। तो आइए अब हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि संसाधन कितने तरह के होते हैं, संसाधन दो तरह के होते हैं, एक मुख्यतः संसाधन दो तरह के होते हैं, वैसे उपयोगिता के आधार पर बहुत है, ठीक है। तो इसमें जो संसाधन जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है कि वह संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिला है, यानी प्राकृतिक द्वारा हमें जो उपलब्ध कराया गया हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा हमारा कोयला ले लीजिए, ठीक है, भूमि ले लीजिए, जल ले लीजिए, ठीक है, इत्यादि, जो कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार जो कि संसाधन होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जिसके बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स इंग्लिश में, वह संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा हमें मिला है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में भूमि, जल, वायु, कोयला इत्यादि, ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यहां तक तक नोट कीजिए, तब हम लोग अगला पढ़ते हैं मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग मानव निर्मित संसाधन। तो वह संसाधन जो मानव ने अपने ज्ञान और तकनीक से खुद बनाया है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मान लीजिए जो कि यह बोर्ड बनाया है तो किसी मानव ने ही बनाया होगा, यह मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। जो आप मोबाइल देख रहे हैं वो भी मानव निर्मित संसाधन, के भंडार पड़ा हुआ है। ये जो कि बुक है किसी मानव ने ही लिखा होगा, तो ये भी मानव निर्मित संसाधन है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी वस्तुएं हैं अधिकतर मानव निर्मित संसाधन ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग मानव निर्मित संसाधन को नोट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि उसको भी लाभ मिल सके बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है
दूसरा नंबर तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित संसाधन। तो वह संसाधन जो मानव ने अपने खुद ज्ञान और तकनीक की सहायता से बनाया है, जिसका हम लोग उपयोग यानी हम जिसका हम लोग उसके आवश्यकताओं को पूरे करते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन जैसे मोबाइल हो गया, तो मोबाइल जो कि है किसी मानव ने ही बनाया है, वाहन जो कि किसी मानव ने बनाया होगा, टेबुल कुर्सी जहाज रोड इत्यादि जितने भी मानव जो जितने भी ये सब एग्जांपल है, ये सब मानव निर्मित संसाधन अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो कि बोर्ड जैसे बनाए मानव निर्मित संसाधन। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे अब जो कि मुख्य टॉपिक जो है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से क्या तत्पर्य है, प्रबंधन से सबसे पहले जानेंगे प्रबंधन से क्या तत्पर्य है, ठीक है। तो प्रबंधन से यही तत्पर्य है कि मान लीजिए अभी के मौसम में गेहूं का फसल कटाई होने वाला है, तो गेहूं का फसल जो कटाई होगा तो दौनी होगी, और दौनी हो जाने के बाद उसको हम लोग घर में लाएंगे, और घर में लाने के बाद अच्छी तरह से उसे सुखा उखा कर जो कि होता है क्या होता है उसको ड्राम या कोठी में रखते हैं। तो ड्राम या कोठी में रखते हैं तो क्या उसको क्या कर रहे हैं, संरक्षित यानी सुरक्षित रख रहे हैं उसको भविष्य के लिए। तो वही जो कि है प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव एवं सुरक्षित करना ही उसका प्रबंधन कहलाता है, प्रबंधन से यही तत्पर्य है, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे कि इसी प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव यानी सुरक्षित करना ही उसका प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी उसके रख रखाव के चलते दो जो कि महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से तात्पर्य क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से तात्पर्य है कि भविष्य के लिए किसी वस्तु के रख रखाव एवं संरक्षण से है। मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग रख रखाव बचाव नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसी के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो कि पहला जो कार्य था वो क्या था, क्योटो सम्मेलन और दूसरा जो कि है उत्सर्जन संबंधित मापदंड, यानी जो कि दूसरा जो कि है उत्सर्जन संबंधित मापदंड, ठीक है। यही दो कार्य जो किए गए इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।